जनाबे स्पीकर, पाकिस्तान का एक मौकफ होना चाहिए। हर पाकिस्तानी चाहता है कि हम अपने कश्मीरी बहन भाइयों की लड़ाई लड़े। जो भी मदद चाहिए हुकूमत को, पहले दिन से ऑपोजिशन देने को तैयार था, लेकिन जवाब क्या था हुकूमत से? मैंने पहले दिन पे ऐलान किया था, शाह महमूद कुरैशी साहब विटनेस है, जब ये हमला हुआ था एक साल पहले, कि हम साथ मिलके जाके ईद नमाज पढ़ेंगे कश्मीर। जी हमने पढ़ी है। उस रात पहले आपने क्या किया? अपने मोदी की नकल की, जैसे मोदी ने मकबूजा कश्मीर में अपने ऑपोजिशन का गिरफ्तार किया, यहां तक के ऑपोजिशन के खवतीन को भी गिरफ्तार किया, यही हुकूमत ने वो नकल की। मरियम शरीफ साहिबा को, फरियाल तालपुर साहिबा को नो क्रॉस टॉक प्लीज गिरफ्तार किया गया, और जो यूनिटी का पैगाम था उन्होंने खराब कर दिया। और आज भी जॉइंट सेशन ऑफ पाकिस्तान हो रहा है, यूनाइटेड रेजोल्यूशन पास हुआ है, वजीर आजम तो है ही नहीं। वजीर आजम इमरान खान यहां होता, वो अपना ही करारदाद पढ़ता, से ज्यादा मजबूत पैगाम जाता। पिछले जो वो ये फॉरेन ऑफिस ने अच्छा ब्रीफिंग रखा सबके लिए, बड़ा अच्छा, इससे बेहतर होता अगर फॉरेन ऑफिस में नहीं वजीर आजम हाउस में ब्रीफिंग होता, आज नहीं एक साल पहले होता, हम सबको एक लाइन में खड़े कर देते। लेकिन हमारा वजीर आजम सिर्फ अपना जमात का वजीर आजम रहने में खुश है, सिर्फ फेसबुक और ट्विटर का वजीर आजम रहने में खुश है, इस मुल्क का कियादत करने को तैयार नहीं। और जहां तक कश्मीर कॉज है, जो मर्जी बात करते रहे हैं, हर पाकिस्तानी को पता है, हर कश्मीरी को पता है कि इन्होंने कश्मीर पर सौदा कर लिया। अब इनको इस इल्जाम का जवाब देना पड़ेगा, और इनके बातों से इस इल्जाम का जवाब नहीं बनेगा, इनका किरदार से इनका बातों का जवाब बनेगा। मैं जी जी बिलावल साहब, थैंक यू। जो हमारा वजीर खाजा ने कहा है कि ऑपोजिशन ने इमरान खान साहब को तालिबान खान कहा है, हमने इस बात पे नहीं कहा कि वो किसी जंग लड़ने को तैयार नहीं था। वो हर जंग में बुजदिल रहा है, चाहे उसको दहशत गर्दों को इसके खिलाफ जंग लड़ना पड़ता है तो उनके खिलाफ बयान तक देने को तैयार नहीं। मकबूजा कश्मीर पे तारीखी हमला होता है और हमारा वजीर आजम का पहला रिएक्शन है जंग नहीं हो सकता। क्या मतलब जंग नहीं हो सकता? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो एक पुरमन जमात रहा है, एक पैसिविस्ट जमात रहा है, लेकिन एक रेड लाइन होता है, एक रेड लाइन होता है, और अगस्त 5 के बाद हमने नहीं, मोदी ने वो रेड लाइन क्रॉस किया है। पाकिस्तान को हर ऑप्शन को टेबल पे रखना चाहिए, मोदी के आंखों में आंखें दिखाना चाहिए। आप एक दिन नहीं कह सकते हो कि काश ये इलेक्शन जीत ले, और दूसरे दिन कौन आपका बात मानेगा कि ये एक नया हिटलर है, ये नाज़ीज़्म चल रहा है। आपका कश्मीर पॉलिसी में एक कंसिस्टेंसी की जरूरत है। एक तरफ से हम लड़ रहे हैं, एक तरफ से हम कहते हैं बात करने को तैयार भी नहीं है। अफगानिस्तान और इंडिया के दरमियान आपने अभी 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 कश्मीर डे पे, कश्मीर के एक दिन पे इनका ट्रेड को इजाजत नहीं दी। आपका मौकिफ में इनकंसिस्टेंसी क्यों है? यह मेरा एक जायज सवाल है जिसका एक सीरियस जवाब बनता है। जहां तक ये म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस का बिल है, मैं इस हाउस के सामने और पाकिस्तान के अवाम के सामने कुछ बातें समझाना चाह रहा हूं। फातिफ ने क्या मांगा हमसे? फातिफ ने कहा कि एक स्टैंड अलोन बिल होना चाहिए म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के लिए, वो भी टेररिस्ट फाइनेंसिंग में मदद करने के लिए। हमने क्या किया? पाकिस्तान ने करने की कोशिश क्या किया? इस हाउस में इन्होंने जबरदस्ती ये कानून नेशनल असेंबली से पास करवाया, ना हमें डिबेट करने दिया, ना कमेटी का इनपुट करने दिया, क्या ना तजवीज देने दिया। उस बिल में जो ये बिल का ओरिजिनल फॉर्म था, हर पाकिस्तानी का इंसानी हकूक का तहफ्फुज नहीं था। जो फातिफ आपसे मांग भी नहीं रहे थे वो भी आप देने को तैयार थे। मैं मुस्लिम लीग नवाज के जो नुमाइंदे थे, अपने जमात का फारूक नायक साहब, शहरी नमान साहब, नवीद कमर साहब, और हुकूमत का
I don't know everybody unka delegation mein kaun tha, lekin Farooq Naseem sahab, main unka waqai shukr guzar ke apna Eid ka chutti chhod ke inhone din raat mehnat ki. Hamare jo amendments the hukumat ne zyadatar accept kiye the. Wo amendments kya the janab speaker? Hukumat ka original bill mein agar aapne evidence share karna tha ya kisi accused ko yahan se kisi aur mulk ko bechna tha to ek verbal baat pe verbal instruction pe ye hukumat ye kaam karne ko taiyar tha. Opposition ka tajweez, opposition ka amendment ke hame ek agar written agreement ho to phir is kisam ka kaam mein hum engage kar sakte hain. Main samajhta hu ye ek positive ek contribution hai jisne is hamare mutabik black law ko ek thoda insani huquq ka tahaffuz ka mauka diya. Isi law ke mutabik opposition ka ek aur amendment kya hai, humne parliament ki oversight ka ek portion dala hai taki national assembly aur senate ko mauka mile har 6 mahine baad unko report pesh ho. Aur itna ahem issue ko jahan aap tay kar rahe ho ke Pakistan ka citizen ya hamara koi evidence kisi aur mulk ko agar chahe agar aapne cooperate bhi karna hai, humne apne awam ka apna shehri ko insani huquq aur judicial court process ko guarantee karna hai. Aur wo isliye janab speaker ke is hukumat ki agar badniyati nahi hai to humne maazi mein ye dekha hai, humne maazi mein dekha hai ki kaise ek amir ne Pakistan ki shehriyon ko becha hai America ko paisa ke liye, Pakistan ke awam ko Guantanamo Bay aur patani kahan kahan lapata kiya hai. Aur jab aap is kisam ki kanoon saazi kar rahe ho to aapne apne awam ka insani huquq ka tahaffuz karna hai. Agar ye house nahi karega, agar hukumat ka parliamentarians aur opposition ke parliamentarians ye kaam nahi karega to kaun unka tahaffuz karega? Ho sakta hai janab speaker hamara Foreign Minister Saab ne, main hairan hu, Simla ki baat ki hai. Aaj is National Assembly mein agar Simla agreement ki criticism ho raha hai, to mera farz hai ki main inko samjhaun ke Simla ke natija mein kya hua. Kisne aapko Pakistan ki hari hui zameen wapas dilwaya? Kisne aapko 90,000 jangi qaidi wapas dilwaye? Shaheed Zulfikar Ali Bhutto, aap to ek qaidi nahi rahwa sake. Janab speaker Yahya Khan ne East Pakistan khoya tha. Agar kisi ne tareekh ka sabak seekhna hai. Please no crosstalk. Please no crosstalk. Ji Bilawal sir. Janab speaker again ye inconsistency ka baat aa jata hai. Aaj tak mera sawal ka jawab nahi diya gaya ki Kulbhushan Yadav ke liye jo ye ordinance aur kanoon saazi kar rahe hain wo hamare sawalat ka jawab kyu nahi de sakte? आप पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन का खिलाफ वर्जी करते हुए एक ऑर्डिनेंस का टाइम फ्रेम होता है, चेयरमैन साहब आपको भी पता है, सेनेट से हमारे लिए भी वो इस टाइम फ्रेम के दरमियान आपने एक काम करना है. उस टाइम फ्रेम के दरमियान ये ऑर्डिनेंस नहीं लाया गया, ये ऑर्डिनेंस आपका हाउस से और इस हाउस से छुपाया गया. ये क्लेम करते हैं कि ICJ का रिक्वायरमेंट, चलिए अगर हम मान भी लेते हैं कि इंटरनेशनल कोर्ट की रिक्वायरमेंट, तो वो इंटरनेशनल कोर्ट का रिक्वायरमेंट आपको ऑर्डिनेंस से तो फुलफिल हो जाता है. इस बात का जवाब दे कि ऑर्डिनेंस तो आप लेकर आ रहे हो, साथ साथ इमरान खान का हुकूमत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाके कह रहा है वो कुलभूषण को वकील दो. अब ये हमें बता रहे हैं कि हम कश्मीर के सफीर हैं, असल में ये कुलभूषण के वकील है. जनाब स्पीकर, फाटिफ हो या कश्मीर हो, दहशतगर्दी हो या कश्मीर के अवाम का आजादी के बाप हो, मुनाफिकत से ये मसले हल नहीं होंगे. हम अपने अवाम से भी सच्चे,
हमें अपने अवाम से भी सच्चा होना पड़ेंगे और कश्मीर के अवाम से भी सच्चा होना पड़ेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये मौकफ है, पाकिस्तान का इनका हुकूमत आने से पहले ये मौकफ था कि हमारा नारा कश्मीर का नारा राय शुमारी। और आज भी हम समझते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझता है कि जो हुकूमत का कश्मीर पॉलिसी है, जो हुकूमत का नैरेटिव है, कश्मीर नैरेटिव है, उसका सबसे पहले पॉइंट यही होना चाहिए। मगर इस केस को लड़ने के लिए हम चाहेंगे कि पाकिस्तान की हुकूमत अपना किरदार अदा करे। मैं कैसे जवाब दे दूँ जब कश्मीर के अवाम हमसे सवाल पूछते हैं कि आपका वजीर आजम कहाँ है? इतना बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस कोविड से पहले कश्मीर में टूट पड़ा। आपने ना ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर की बात की, आपने ना उनके जो हेल्थ सप्लाईज की सहूलियात है वो पहुंचाने की कोशिश की। अब फिर ग्लोबल पैंडेमिक आया, ये आपका गोल्डन अपॉर्चुनिटी था। रेड क्रॉस को कहते, डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स को कहते कि हम ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बनाते, आप आके कश्मीर के अवाम का सेहत और जिंदगी तहफ्फुज करें। उस मौका को भी हमने खो दिया। यूनाइटेड नेशंस का हमारा फॉरेन मिनिस्टर साहब बार बार जिक्र करता है, लेकिन यूनाइटेड नेशंस में जो आपका किरदार कारकर्दगी है, ना पाकिस्तान के अवाम ना कश्मीर के अवाम उससे मुतमिन है। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान का जो कश्मीर का पॉलिसी हो वो कश्मीर के अवाम बनाए। अगर आपने उनसे पूछा तक नहीं, क्या आपने कश्मीर का वजीर आजम, आजाद कश्मीर का वजीर आजम से पूछा, या उनको भी आपने ब्रीफिंग दिया जैसे आपने हमें ब्रीफिंग दिया? आपने अगर उनका मशवरा लिया होता तो फिर आपका वजीर आजम के सामने आई एम श्योर ही वुडंट हैव रेज्ड दिस ऑब्जेक्शन कि हिज इनपुट वाजंट टेकन। और आप अज खुद कश्मीर के अवाम के फैसले नहीं ले सकते हैं जनाब स्पीकर। आप अपना रवैया दुरुस्त करें वरना हम ज्यादा खो जाएंगे। आपका मौसूब बात कर रहे थे, मैंने पहले इनको तकरीर नवीस बदलने का मशवरा दिया था, और आज जब इन्होंने बिल कानून आइन साजी किसी चीज का इल्म नहीं था तो पीछे फारूक नाइक साहब बैठे हैं, मैं यही मशवरा दूंगा कि तशरीफ रखें। इसके बाद असद महमूद साहब को टाइम देंगे, तशरीफ रखें। जी मुराद साहब। जी मुराद साहब। जी चेयरमैन साहब, तो मैं इनको यही मशवरा दूंगा कि उनसे थोड़ी सी टिविशन ले ले। अच्छा, दो चीजें, कश्मीर और फेटा, इसके ऊपर आने से पहले कल यौम इस्तेहसाल पूरा पाकिस्तान, जी जी, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर आजाद कश्मीर में पूरे पाकिस्तानी अपने कश्मीरी भाइयों के साथ खड़े थे, और जो कियादत वहां से स्क्रीन से गायब थी पूरा दिन, टीवी ने इनके ऊपर रिपोर्टिंग भी की, उसमें एक ही जो अभी भड़के मार रहे थे ये थे, और साथ में शहबाज शरीफ साहब थे। स्पीकर साहब, मैं सीधा कश्मीर के इश्यूज के ऊपर आता हूं क्योंकि इन्होंने अभी थोड़ी देर में वॉकआउट करना है ताकि तब तक ये बात सुने। ये कह रहे हैं ये कश्मीर पॉलिसी के हवाले से बात कर रहे हैं जनाबी चेयरमैन साहब जी। इनको एतराज है कि जो पाकिस्तान का नया पॉलिटिकल मैप आ गया उसके ऊपर एतराज है। मैं आपको बता दूं जनाबी चेयरमैन, दो लोगों को इस वक्त एतराज है, एक पाकिस्तान की अपोजिशन का और दूसरा इंडिया को। हमसे पूछते हैं कि आपने नक्शा बदलने से कुछ नहीं होता, सड़क का नाम श्रीनगर रोड रखने से कुछ नहीं होता। अपनी निशस्तों पर तशरीफ रखें, हाउस का माहौल खराब ना करें, तशरीफ रखें। जी मुराद साहब। जी मुराद साहब। जी चेयरमैन साहब, ये कह रहे हैं कि सड़कों का नाम बदलने से कुछ नहीं होता। मैं सवाल करता हूं, राजीव गांधी पाकिस्तान आया, इनकी हुकूमत थी, क्या डर था, क्या खौफ था कि कश्मीर हाउस का जो बोर्ड था वो भी हटा दिया? ये कह रहे हैं कि हुर्रियत रहनुमा जो आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की तारीफ कर रहे हैं, खत भी लिख रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड भी है, दुनिया के सामने भी बोल रहे हैं, इनको एतराज ये है कि हुर्रियत रहनुमाओं की मुलाकातों से कुछ नहीं होता। मैं पूछता हूं कि आपकी हुकूमत में भारत जाके भी हुर्रियत रहनुमाओं से मुलाकातों का इनकार क्यों किया आपने? जनाबे चेयरमैन, आज अगर शहरियार अफरीदी कश्मीर कमेटी का चेयरमैन बन के
आजाद कश्मीर में और पूरी दुनिया जाके कश्मीरियों का मुकदमा लड़ रहे तो कहते कि इससे कुछ नहीं होता, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान को बार्गेनिंग के लिए कश्मीर कमेटी हवाले कर दे, उससे बहुत कुछ होता है। मैं आता हूं फेटअप के ऊपर, ये कह रहे हैं फेटअप के ऊपर। जनाबी चेयरमैन, ये क्या बात कर रही थी, जरा कौन को बताए। पहले इन्होंने कहा कि पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट में क्यों गया है। कौम को बता दो कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, पाकिस्तान पहली दफा ब्लैक लिस्ट में चला गया था। इनकी वजह से पाकिस्तान नून लीग और पीपल्स पार्टी की नाअहलियों की वजह से आज ग्रे लिस्ट में मौजूद है। लेकिन ये जो बिल आज पास हुआ, इसके ऊपर इन्होंने क्या मुतालबात सामने रख रहे थे। इन्होंने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग इससे हटा दो, मनी लॉन्ड्रिंग इससे हटा दो। दूसरा क्या मुतालबा था इनका कि आप इससे करप्शन का लफ्ज जो है उसको हटा दो। अब इसका क्या मतलब है जनाबी चेयरमैन, हमारे पाकिस्तान की हमारे मुल्क की जनाबी चेयरमैन अगर ये जितना भी शोर करेंगे, मैंने अपनी तकरीर पूरी करनी है, इनमें से फिर कोई यहां पे बात नहीं कर सकेगा। मैं तो कर लूंगा, ये नहीं कर सकेंगे। आप कंटिन्यू करें मुराद साहब, आप कंटिन्यू करें। चेयरमैन साहब, मैं तो बात कर लूंगा, ये बात नहीं कर सकेंगे। नो क्रॉस टॉक, उसके बाद मौलाना असद साहब ने तकरीर करनी है, ताकि जल्दी जल्दी मुराद साहब भी तकरीर करेंगे। जी मुराद साहब, ये जी मुराद साहब, अभी जनाबी चेयरमैन मौसूद, चेयरमैन साहब, चेयरमैन साहब जी, चेयरमैन साहब, अभी मौसूब ने बड़े सवालात उठाए थे, अभी तो मैंने फेटअप का इनका जो एनआरओ प्लस था उसका जवाब देना था, वो चले गए। मैं खुला पटेल साहब तशरीफ रखें, पटेल साहब तशरीफ रखें, आगा साहब तशरीफ रखें। जी मुराद साहब, चेयरमैन साहब तशरीफ रखें प्लीज, आगा साहब तशरीफ रखें। जी जी मुराद साहब, चेयरमैन साहब, मैं फिर से रिपीट कर दूं, मैं तो इनके शोर में भी बात कर लूंगा कि मैं इनके लीडर की तरह भगोड़ा नहीं हूं कि यहां से भागता हूं, मैं इसमें बात कर लूंगा, ठीक है। ये बात नहीं कर सकेंगे। जी आप लोग यहाँ पे बैठ के रोज गालियां दे सकते हैं, आपको एक दिन तशरीफ रखें, पटेल साहब तशरीफ रखें, पटेल साहब तशरीफ रखें, माहौल खराब आप लोग कर रहे हैं। पटेल साहब जी, जी मुराद साहब, जी मुराद साहब, जी मुराद साहब, प्लीज गैर मुनासिब अल्फाज इस्तेमाल ना करें, हाउस का माहौल खराब ना करें, तशरीफ रखें। जी मुराद साहब, आप तकरीर करें, मुराद साहब आप तकरीर करें, मुराद साहब आप तकरीर करें। जनाब आगा साहब, जनाबी चेयरमैन तशरीफ रखे आप लोग, जनाबी आप लोग असद महमूद साहब का तकरीर नहीं सुनना चाहते बाद में। चेयरमैन साहब हाउस का माहौल खराब ना करें, तशरीफ रखे। जी चेयरमैन साहब, चेयरमैन साहब, मैं ऑर्डर इन द हाउस प्लीज, आगा साहब बैठ जाएं जी, आगा साहब तशरीफ रखे। जी जी मुराद साहब, जी मुराद साहब, जनाबी चेयरमैन मेरी इतनी सी गुजारिश है, मैं फिर रिपीट कर दूं कि मैं आपके शोर में भी अपनी बात कर सकता हूं, लेकिन ना आपकी तरह भागूंगा और ना आपको फिर बात करने दूंगा। लेकिन एक मुतालबा करता हूं जनाबी चेयरमैन, थोड़ा सा इनका माइक ऑन करके इनकी ये असलियत दुनिया को तो दिखा दे कि हम यहाँ पे एक एक घंटा इनकी तकरीरें सुने, इनके फिर अल्फाज देखे। इनका जो लीडर खुद यहाँ से भाग गया, ऐसे गुलामों को छोड़ के गालियों के लिए छोड़ देते हैं, ये इनकी तरबियत है जनाबी चेयरमैन। मैं रफियोला, जी मुराद साहब, मुराद साहब तकरीर करें, तशरीफ रखें, आगा साहब तशरीफ रखें, आगा साहब तशरीफ रखें,
आगा साहब तशरीफ रखें, हाउस का माहौल खराब ना करें। जी जी मुराद साहब। जी जना जनाबी चेयरमैन, आप अपनी इतिहादियों के साथ ज्यादा कर रहे हैं। अमीर जुमात इस्लामी ने बात करनी है, जयूआई आपकी इतिहादी आपके साथ अपोजिशन में, उन्होंने बात करनी है, उनका टाइम आप ले रहे हैं। उनका जी मुराद साहब, मुराद साहब आप कंटिन्यू करें। प्लीज आपको आप पार्लियामान के मेंबर हैं, ऐसी बातें ना करें, हाउस का माहौल खराब ना करें। उसके बाद मौलाना असद साहब ने तकरीर करनी है, खामोशी से सुनो। जी जी मुराद साहब। जी जी चेयरमैन साहब, मैं बात कर रहा था कि फेटअप के हवाले से इन्होंने आज की जो कानून साजी हुई क्या हो गया। जी जी मुराद साहब आप तकरीर करें। जो फेटअप के हवाले से आज कानून साजी हुई है, कौम को जरा बता दे कि इनकी तरफ से दो मुतालबात सामने आए थे। एक ये कि इससे मनी लॉन्ड्रिंग को हटा दिया जाए, दूसरा ये कि करप्शन का लफ्ज भी हटा दिया जाए। अब जरा इसके ऊपर आते हैं जनाब स्पीकर, कि ये मनी लॉन्ड्रिंग अगर आप लोगों ने मुल्क को लूटा है, मनी लॉन्ड्रिंग की है, न सिर्फ पाकिस्तानी कौम को नुकसान पहुंचाया है बल्कि फेटअप की ग्रे लिस्ट की तलवार भी आपके मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन की वजह से पाकिस्तान के ऊपर लटक रही है, तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान अगर ग्रे लिस्ट में जाता है तो जाए, आपके साथ कंप्रोमाइज हो नहीं होगा जनाबी चेयरमैन साहब। वो बात इन्होंने सुननी नहीं है। ओ गुलाम लोगों, वहां पे वो बच्चा बैठा हुआ है, यहाँ से आपको कहता है गालियां दो, आपका कोई अपना खानदान, कोई बीवी बच्चे नहीं है, वो नहीं सुनते, घर में कोई इज्जत नहीं है, घर वाले ये चीजें नहीं सुनते, क्या गुलाम है वो, इनको छोड़ देता है, गालियां दो और ये गालियां देने के लिए बैठ जाते हैं। जनाबी चेयरमैन जरा माइक इनका ऑन कर ले ताकि इनकी ये गालियां कौन सुन सके। अगर आप इस तरह कर रहे हैं तो मैं हाउस प्रोरोग कर देता हूं। कर दे। अगर आपने खामोश नहीं रखना मुर्तज रह जाएंगे। जी बताएं, पहले कंप्लीट करने दें, मैं सुबह तक बैठने को तैयार हूं, आपकी बात सुनूंगा, लेकिन बैठ जाएंगे, तशरीफ रखें। जी मुराद साहब कंप्लीट करेंगे। बिल्कुल ठीक है चेयरमैन साहब। जी मुराद साहब। जी चेयरमैन साहब, मैं 5 मिनट के अंदर अपनी बात समेट लेता हूँ। माहौल ने आप शोर करेंगे, आप अपनी इत्यादियों के साथ जाती कर रहे हैं, मुझे क्या नुकसान है, मैं तो 2 घंटे भी बोल सकता हूं। जी प्लीज जनाबी चेयरमैन साहब, मैं पहले आज की बिल के हवाले से दो मोटी चीजें कौम को। जी मुराद साहब आप बोलेंगे। आप लोग नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल ना करें, ये हाउस के लिए अच्छी बात नहीं है। जनाबी चेयरमैन, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जो अल्फाज कह रहे हैं आप माइक में कौन को सुनाएं। जी 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 मौलाना असद महमूद साहब। जी 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 आप तकरीर करेंगे। जी चेयरमैन साहब, मैं बात कर लूंगा, लेकिन जो यहाँ पे उनका जो बाहर यहाँ पे लॉबी में खुद भाग गया और ये जो गालियों देने के लिए लोगों को छोड़ा है, ये लोग आगा साहब मेरे ख्याल में मैं प्रोरोग कर देता हूं। ये नहीं हो सकता कि हर दफा मैं खड़ा हूं और आप लोग गालियां दो। जी जी मुराद साहब आप कंटिन्यू करें। मैं चेयरमैन साहब बात कर लूंगा, लेकिन आप 5 मिनट तो खामोशी से बात करने दें। 5 मिनट बात सुनें जी, मेहरबानी करें। जी आप कोई तकरीर नहीं करें, जो भी है बस ठीक है, कोई भी तकरीर नहीं करेगा, किसी की तकरीर हम नहीं सुनेंगे। जीवा साहब ने बोल दिया, जी 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 मुराद साहब। जी जी चेयरमैन साहब, चेयरमैन साहब, मैं 5 मिनट आपका कहा है कि 5 मिनट की खामोशी हूं मैं अपनी बातें नहीं। सेनेटर रुबीना खालिद साहब प्लीज सुन ली, हमेशा आपकी मर्जी, टाइम आप मौलाना असद साहब का, फिर मैं प्ररोक कर दूंगा सेशन। जी
जी मुराद साहब जी फैसल साहब प्लीज जी जी चेयरमैन साहब जी मुराद जी चेयरमैन साहब मैं पहले इनके ये जो अभी जो कुछ ये कर रहे हैं दो जुमलों में मैं भी जवाब दूं कि जब मैं बात करता हूं तो इनका सीनियर तरीन यहां पे पार्लियामेंटेरियंस बैठे हैं और ये मुझे कहते हैं कि अगर आप बात करोगे बार बार उठ के तो यहां पे कोई जो पीछे बैठे हुए हैं हमने जो लोग पाले हुए हैं वो आपको इस किस्म के जवाब देंगे। जनाबी चेयरमैन मैं एक चीज बताऊं कि यहां पे भी हमारे बहुत सारे अराकीन अगर आपने इस किस्म की जबान को समझना है मैं सबको कह दूंगा उसी जबान में आपको जवाब मिलेगा भी फिर बर्दाश्त नहीं कर पाओगे बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। दूसरी बात जी जी दूसरी बात जनाबी चेयरमैन अगर ये जितनी भी कोशिश करे कि मैं इनके इस लहजे के मयार पे आ जाऊं मैंने उस लेवल पे आना ही नहीं है मुझे पता कि आप कितना गिर सकते हैं। नंबर तीन जनाब मेहरबानी करें हुकूमती अरकान भी मुराद साहब को बात करने दें। जी जी मुराद साहब नंबर तीन जनाबी चेयरमैन कि यहां पे अगर किसी में दम है ना तो फिर बात करके दिखा देना। बैठ जाए जनाब तशरीफ रखें। जी मुराद साहब चेयरमैन साहब मैं तो चेयरमैन साहब ये तो मैं आपको फिर बताता हूं कि जब तक ये हमारी बात नहीं सुनेंगे इस ऐवान में तो हमने आपको बोलने नहीं देना। आप अगर ये समझते हैं कि कोई बिजनेस एडवाइजरी में आ कुछ तय करके आ जाएंगे नहीं बोल सकेंगे नहीं तय कर सकते मैं आपको बता रहा हूं। दूसरी चेयरमैन साहब मैं आपको एक और चीज चेयरमैन साहब ये जो आप लोग इस तरह अगर कोई यहां पे बात कर ले हम दलील से मैं लेजिस्लेशन की बात कर रहा हूं फेटअप की। जी चेयरमैन साहब जी मुराद साहब जी चेयरमैन साहब मैं ये एक मिनट जी 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 फैसल साहब खामोश जी मुराद जी चेयरमैन साहब हम ये सवाल कर रहे थे हम यार बस ना जी मुराद हम ये सवाल कर रहे थे कि आपने जब फेटअप मुल्क के लिए लेजिस्लेशन हो रही थी जब मुल्क के लिए लेजिस्लेशन हो रही थी तो चेयरमैन साहब जरा कौम को बता दें कि इन्होंने एक ड्राफ्ट और एक बिल लेके सामने लेके आए और उसमें क्या चीजें थी उसमें ये कह रहे कि कौन सा एनआरओ हमने कब मांगे एनआरओ लिख के दे दिया कि ये एनआरओ चाहिए हमारे केसेस खत्म कर दे लिख के दे दिया कि जो जरदारी का फेक अकाउंट वाला जरदारी का फेक अकाउंट्स वाला केस चल रहा है उसको खत्म कर दे तो फिर उसके बाद लेजिस्लेशन होगी। लिख के दे दिया जो शहबाज शरीफ का टीटी वाला केस चल रहा है कि यहां पे करप्शन की यहां पे कमीशन लिया मुल्क से बाहर पैसा भेजा मुल्क से मनी लॉन्ड्रिंग करके अभी आज भी कह रहे थे कि मनी लॉन्ड्रिंग हटा दो मनी लॉन्ड्रिंग करके पैसा बाहर लेके गए टीटी के जरिए पाकिस्तान भेजा और फिर यहां पे जो शाह खर्चिया हुआ आपको पता है कहते कि ये भी हटा दे 99 करोड़ 99 लाख 99 हजार 999 की चोरी भी इनको माफ कर दे। एक और चीज भी सामने लेके आए कि 1999 से पहले जो केसेस है उसको खत्म कर दे कि रमजान शुगर मिल और बाकी केसेस भी माफ हो जाए। जी मुराद साहब चेयरमैन साहब आप ऐसे ही कह रहे कि वो खामोश है उनको हुक्म मिला है गुलाम कभी खामोश हो सकते हैं एक पर्ची वाला आया मुराद साहब आप ऐसी बातें ना करें तकरीर करेंगे। एक पर्ची वाला आया वो कह रहा है कि मैं आपका लीडर हूँ ये सारे सरतस्लीम कम करके बैठ गए अभी वो जब यहाँ से निकलते हैं इनको पर्ची तमारे तय कि गालियां दो ये गालियां शुरू कर देते हैं। कोई अपना जमीर भी होता है कोई अपने लोगों की अपनी इज्जत भी होती है इनको इस चीज का पता ही नहीं है। जी मुराद साहब जी जी चेयरमैन साहब जी खामोश है आप बिस्मिल्लाह करें तकरीर करें जान छुड़ाएं जी मैं जी मुराद साहब जी चेयरमैन साहब दूसरी बात हुई थी एक फेटअप के हवाले से बात हुई और दूसरा इनकी तरफ से कश्मीर के हवाले से बड़ी बात हुई जी जरा मैं उसके ऊपर आता हूँ आप लोग हुकूमती अरकान भी खामोशी इख्तियार करें मुराद साहब की तकरीर से। जनाबी चेयरमैन
कश्मीर के हवाले से बात हो रही थी तो मैंने स्टार्ट में ही दो बातें की कि एक कल जब हम यौम इस्तेहसाल मना रहे थे पूरी पाकिस्तानी कौम मुल्क का वज़ीर आज़म मुल्क के तमाम इदारे सेनेट मुजफ्फराबाद की असम्बली और हमारे सारे पाकिस्तानी वो अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ खड़े थे। दो रहनुमा कल गायब थे, एक अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और दूसरा वो जो अभी वही प्लीज नो क्रॉस टॉक, इस तरह के अल्फाज ना करें, माहौल खराब हो जाता है जी। अब आगा साहब ऐसे अल्फाज ना इस्तेमाल करें। Now let me read out the presidential order. In exercise of the power conferred by clause 1 of the article 54 of the constitution of the Islamic Republic of Pakistan, I hereby prorogue the Majlis Shura Parliament in joint sitting summoned on Thursday the 6th August 2020 on the conclusion of its business.